हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले IQOS Z5 के बारे में। तो दोस्तों, ये फ़ोन फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसकी प्राइसिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हो अबरार टेक, मैं हूँ आपके साथ अबरार शेख। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले IQOS Z5 के बारे में। दोस्तों, आप सबको याद होगा IQOS Z3 बहुत पहले नहीं, लास्ट मंथ जून जुलाई में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन इस फ़ोन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला था और वो फ़ोन भी आपको गेमिंग देखने के लिए मिला था। लेकिन IQOS Z5 जो फ़ोन आया हुआ है दोस्तों, तो ये फ़ोन में IQOS Z3 में जो भी थोड़ा बहुत बग्स थे उसको फिक्स करते हुए ये IQOS Z5 आया है, जो कि इसका अपग्रेड वर्जन है। और यहाँ पे ये फ़ोन भी आपको गेमिंग देखने के लिए मिलता है और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है फ़ोन में हमें देखने के लिए मिल रहा है गेम से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, जो गेमिंग फ़ोन ये बनता है और गेमर लोग को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ये फ़ोन। तो दोस्तों, बात करेंगे हम यहाँ पे IQOS Z5 की स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके डिस्प्ले से। तो यहाँ पे जो इसका डिस्प्ले निकल कर आ रहा है, 6.67 इंच का फुल HD आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, जो कि LCD डिस्प्ले आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का इसमें आपको रिफ्रेश रेट, जो कि सबसे फास्ट है, वो देखने के लिए मिलेगा। और बात करेंगे टच सैम्पलिंग की, तो यहाँ पे आपको टच सैम्पलिंग 240 का देखने के लिए मिलेगा। और बात करेंगे यहाँ पे HDR की, तो यहाँ पे HDR 10 सपोर्ट आपको इस डिस्प्ले के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे जो इसका प्रोसेसर निकल कर आ रहा है काफ़ी कमाल का है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिल रहा है Qualcomm Snapdragon 778G का यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 5G ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ ये फ़ोन गेमिंग भी है, तो यहाँ पे जो प्रोसेसर इसका दिया हुआ है उस हिसाब से ये फ़ोन गेमिंग के लिए भी जाता है। और साथ में अगर आप बेसिक यूज़ करने के लिए भी सोच रहे हो, तो आप ये फ़ोन लेने के बाद आपको है ना बार बार हैंग या लैग का कोई भी तकलीफ यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे यहाँ पे इसके स्टोरेज के बारे में। तो यहाँ पे जो इसका स्टोरेज और रैम निकल कर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको 12 GB तक का रैम आपको स्टोरेज देखने के लिए मिलेगा। और बात करेंगे स्टोरेज की, तो यहाँ पे 256 तक का स्टोरेज आपको देखने के लिए मिलेगा। और रैम भी दोस्तों आपको एकदम लेटेस्ट वाला देखने के लिए मिलेगा, यानी कि LPDDR5 का रैम आपको देखने के लिए मिलेगा। और बात करेंगे यहाँ पे स्टोरेज की, यहाँ पे आपको स्टोरेज UFS 3.1 का देखने के लिए मिल रहा है, जो कि सबसे लेटेस्ट में अभी ये दोनों ही चल रहा है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसके कैमरे के बारे में। तो यहाँ पे जो इसका कैमरा निकल कर आ रहा है, पीछे के साइड में आपको 3 कैमरा देखने के लिए मिलेगा, जो कि प्राइमरी कैमरा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। 64 MP का आपको प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, फिर अल्ट्रा वाइल्ड एंगल आपको यहाँ पे 8 MP का देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको 2 MP का मैक्रो डेप्थ सेंसर आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जो नज़दीक का शॉट रहता है वो लेने के लिए आपको मैक्रो सेंसर का जो काम पड़ता है वो भी आपको इस फ़ोन में देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे इसके फ्रंट कैमरे की। तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा 16 MP का देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा कह सकते हो, क्योंकि प्राइस के हिसाब से ये कैमरा भी यहाँ पे जो दिया हुआ है काफ़ी अच्छा ही दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे इसके बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको बैटरी 5000 mAh का बैटरी आपको देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ 44 V का फ्लैश फास्ट चार्जिंग आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यानी कि आप गेमर हो, तो आप गेम ज़्यादा खेलते हो, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे ये चार्जिंग और यहाँ पे आपका बैटरी पावर, ये दोनों काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कनेक्टिविटी की। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कनेक्टिविटी में, ये फ़ोन आपको 5G देखने के लिए मिलता है, उसके साथ ब्लूटूथ वाईफाई में भी आपको टेरी बैंड वाईफाई देखने के लिए मिलेगा। यानी कि टेरी बैंड में बता दूँ, यहाँ पे 2.4 GHz का भी सपोर्ट है, और 5.1 और 5.8 भी यहाँ पे आपको GHz यहाँ पे सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा, आज तक मैंने किसी फ़ोन में देखा नहीं था। शायद ये पहला फ़ोन होगा जिसमें इतना वाईफाई आपको एक साथ सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। बात करेंगे ऑडियो जैक पिन की, तो यहाँ पे 3.5 mm जैक पिन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, ज़रूर से बताइए ये स्पेसिफिकेशन आपको इस फ़ोन का कैसा लगा। और दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग के लिए अभी जो Xiaomi का एक नया फ़ोन आया है जिसका नाम है सेवी, मैं सोच रहा हूँ इस ये फ़ोन के बारे में और वो फ़ोन के बारे में दोनों में कंपटीशन करा देते कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है। वैसे वो भी तो इंडिया में बहुत जल्द आने वाला है,
और ये ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है। तो दोस्तों बात करेंगे इसके प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पे जो इसकी प्राइसिंग होने वाली है लगभग 23 से लेके 25 के बीच में इसकी प्राइसिंग है, यानी कि 23 वाला भी एक वेरिएंट है, एक 25 वाला भी मॉडल है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो आपको कौन सा मॉडल ज़्यादा आपको यूज़ में आएगा, यानी कि आप बहुत ज़्यादा गेम खेलते हो, बहुत ज़्यादा खेलते हो तो आप 12 GB वाला ले लीजिए, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो खेलते हो तो आप 8 GB वाला ले लीजिए। तो दोस्तों जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए कोरोना टाइम में बी सेफ, बी केयरफुल।